का सैमसंग का G355 मोबाइल, G355, इसका आपका टच में प्रॉब्लम है। अभी मैं ये मशीन से इसका टच रिमूव करूँगा। इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका टेम्परेचर है, यह टेम्परेचर 90 डिग्री में सेट किया हुआ है। अभी इसमें हीट हुआ है 29.3। अब धीरे धीरे इसका जो हीट है, ये हीट धीरे धीरे बढ़ेगा। जब यह मोटा मोटी आपका 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर में हीट हो जाएगा, तब ये टास आसानी से निकल जाएगा। तो अभी मैं वेट करता हूँ थोड़ा टाइम 90 डिग्री तक होने के लिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इसको ड्रायर बोलता है। और इसमें आपका एक चीज़ फ़ायदे के, इसका जो हीट होता है ये आपका कंप्लीट हीट होता है, चारों तरफ से सेम टेम्परेचर में हीट होगा। तो इसमें आपका रिस्क कम है, जैसे कि कभी कभी आपका एलसीडी जल जाता है, अगर ज़्यादा हीट होगा तो एलसीडी जल जाता है। तो इसमें आपका ज़्यादा हीट होने का चांसेस कम है, कोई एक साइड में हीट होने का चांसेस कम है। अगर होगा तो कंप्लीट मतलब एक ही लेवल में इसका हीट होगा। तो ड्रायर में यही आपका एक चीज़ फायदा है। देख ये अभी आप देख सकते हैं, ये इसका जो अभी हीट है 56.8957 डिग्री टेम्परेचर है। अभी थोड़ा बाकी है, आपका 60 हो जाएगा। ये 59 60 हो गया, अभी और 30 बाकी है। ये आपका 90 डिग्री तक हीट होने के लिए लगभग आपका 7-8 मिनट लग जाता है, 7 से 8 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा। पहले शुरुआत में आपका धीरे धीरे हीट होता है, उसके बाद थोड़ा फास्ट हो जाता है। ये अभी 70 हो गया, 70 डिग्री 71। अभी ये 74 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। तो अभी क्या होगा, 70 जब पार होता है, 70 पार होने के बाद में ये धीरे धीरे मतलब आपका हीट इंक्रीज होता है, क्योंकि आप इसको 70 में भी खोल सकते हैं। तो आपका 80 होने से थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा, इसलिए मैं वेट करूँगा और 80 तक होने के लिए। फ्रेंड्स अभी थोड़ा देर बाद में आपका 80 कंप्लीट हो जाएगा। जब 80 कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगा। ओके, अब 80 कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं इसको निकाल लूँगा। सबसे पहले मशीन को ऑफ कर देता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये आसानी से खोल गया।